आइए आज का जो हमारी कहानी रहेगी, पढ़ाई रहेगा, क्लास 9 साइंस में लेसन नंबर 3 परमाणु वाला पाठ पढ़ रहे हैं। पृष्ठ संख्या आपके पास 36 है और उसी 36 के जो प्रश्न उत्तर होंगे उसका हमें सॉल्व करना है। आप पढ़ के आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, सुनो, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट 6 ग्राम एसिटिक अम्ल अभिक्रियत होते हैं और 2.2 कार्बन डाइऑक्साइड, 0.2 का सोडियम एसिटेट और 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाए गए कि परिचय द्रव्यमान संचय के नियम का पालन करता है कि नहीं। अच्छा, पहले हम लोग ये लिख लेते हैं क्या अभिक्रिया दे। देखो नीचे लिखा है सोडियम कार्बोनेट, पहला सवाल है। रिएक्शन में समीकरण हमारे पास जो लिखा गया है वह लिखा गया है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट ये हमारे पास है, प्लस एसिटिक अम्ल, प्लस एसिटिक अम्ल। आज आप क्रिया करेंगे तो बनेगा सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट प्लस सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ये हमारे पास रहा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट एसिटिक अम्ल सोडियम एसीटेट और जल, ये तो रिएक्शन रहा। और सुनो ध्यान से, सवाल में पढ़ के देख लो क्या दिया है। देख लो सोडियम कार्बोनेट की मात्रा कितना दिया, पहले देख लेते हैं। देखो सोडियम कार्बोनेट की मात्रा 5.3 ग्राम दिया है ना, तो जहाँ सोडियम है तहाँ 5.3 ग्राम, एकदम समझिए, जहाँ सोडियम कार्बोनेट है वहाँ 5.3 ग्राम लिखिए, प्लस एसिटिक अम्ल देख लीजिए, एसिटिक अम्ल देख लीजिए, हाँ 6.0 ग्राम है। ग्राम हाई रिएक्शन का जैसा चेन दिया गया है वैसा आप चेन दे दीजिए। और देखिए आगे का दिया है, आगे दिया सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट की मात्रा 8.2 ग्राम, तो 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट लिखिए। कार्बन डाइऑक्साइड देख लीजिए, हाँ 2.2 ग्राम, प्लस जल देख लीजिए 0.9 ग्राम। सुनो मैं बताता हूँ, ये जो आप रिएक्शन लिखे हैं आप पढ़ करके आ रहे हैं कि इसको अभिकारक कहते हैं, इसको उत्पाद कहते हैं। अभिकारक और उत्पाद दोनों को जोड़ लीजिए, अगर इसकी मान, अगर अभिकारक जितना मान आता है उतना उत्पाद का मान आता है तो द्रव्यमान संचय के नियम का पालन। आप पढ़े भी होंगे कि अभिकारक की मात्रा और उत्पाद की मात्रा बराबर आना चाहिए। सुहानी जी आप यहाँ पर देखिए, अभिकारक की मात्रा और उत्पाद की मात्रा दोनों का आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, तब द्रव्यमान संचय के नियम का पालन करेगा। अब बराबर नहीं आएगा तो द्रव्यमान संचय के नियम का पालन नहीं करेगा, तो क्या करना, जरा सोचो। जोड़ो 0 और 3 कितना होगा, 3, 6 और 5 कितना आ गया, 11, 11.3 ग्राम आ गया। इसको भी जोड़ लो, देखो जोड़ो 9, 9 2 11, 11 2 13 के 3 हाथ में 1, 0 1 1 2 3, 8 3 11, 11.3 ग्राम ये भी आ गया। ये दोनों तरफ सेम आ गए तो लिख देंगे अतः प्रणाम, यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। अच्छा ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया, बताइए। अगर अगला टेस्ट साइंस का हो तो उसमें लिख सकते हैं ना, तो नोट कर लो।